कई बार आपने सुना होगा कि माता पिता शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा नींद में बड़बड़ाता है। कई बार वे डर जाते हैं कि कहीं उनके बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। इसीलिए आज हम आपको इस बीमारी के बारे में कुछ जानकारी देंगे और उसे ठीक करने के उपाय बताएंगे। नींद में बोलने को बड़बड़ाना कहते हैं, क्योंकि जब आप बड़बड़ाते हैं तो आपके शब्द आधे अधूरे और अस्पष्ट होते हैं। ये एक प्रकार का पैरासोमनिया है, जिसका मतलब होता है सोते समय अस्वाभाविक व्यवहार का करना, लेकिन इसे बीमारी नहीं माना जाता है। रात में बड़बड़ाते हुए आप कभी कभी खुद से ही बात करने लगते हैं, जो जाहिर है सुनने वाले को अजीब या भद्दा लग सकता है, लेकिन नींद में बड़बड़ाने वाले एक समय में 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं बोलते हैं। कई तरह के लोग नींद में बातें करते हैं। 3 से 10 साल के तकरीबन आधे से ज्यादा बच्चे अपनी बातों को नींद में पूरा करते हैं। वहीं 5% बड़े भी नींद में बात करते हैं। कई बार जो बात करते करते वो सो जाते हैं, उसे ही पूरा करते हैं। ऐसा कभी कभी होता है या हर रात भी हो सकता है, तो इससे घबराएं नहीं, इसे ठीक करने घरेलू उपाय अपनाएं। नींद में है बड़बड़ाने की आदत से छुटकारा दिलाएंगे ये 8 उपाय। 1, एक समय पर सोएं, समय पर सोएं, इससे नींद में बड़बड़ाने की आदत से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि रात में सही समय से सोने और सुबह सही समय से उठने से यह समस्या नहीं होती है। इसके साथ अपनी नींद पूरी करना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तब भी यह समस्या होती है। नींद में है बड़बड़ाने की आदत से छुटकारा दिलाएंगे ये 8 उपाय। 2, गरिष्ठ भोजन और शराब से बच्चे। कुछ लोग शराब के आदि होते हैं और रात के समय में ही शराब पीते हैं और सोते समय बड़बड़ाने लगते हैं। अगर इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको शराब छोड़नी होगी। अगर ये मुमकिन ना हो तो इसे धीरे धीरे पीना काम कर दें। इसे साथ गरिष्ठ भोजन भी बिल्कुल बंद कर दें। नींद में है बड़बड़ाने की आदत से छुटकारा दिलाएंगे ये 8 उपाय। 3, तनाव से दूर रहें। अगर आप लगातार तनाव से गुजर रहे हैं तो आपको यह समस्या हो सकती है। इसके लिए अपने दिमाग को पर्याप्त आराम का मौका देना चाहिए और खुद भी रिलैक्स करना चाहिए। अगर ऑफिस के कामों से आप खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी ले लें और उसके तो कहीं घूमने चले जाएं। नींद में है बड़बड़ाने की आदत से छुटकारा दिलाएंगे ये 8 उपाय। 4, व्यायाम करें। कई बार शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से ना होने के कारण भी नींद में बड़बड़ाने की आदत हो जाती है। इसके लिए आप शाम को टहलने जा सकते हैं या फिर योग कर सकते हैं। नींद में है बड़बड़ाने की आदत से छुटकारा दिलाएंगे ये 8 उपाय। 5, आपकी समस्याओं के बारे में बात करें। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों की नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है वे बहुत ज्यादा तनावग्रस्त या मानसिक रूप से निराश होते हैं। अगर आपके भी परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा है तो उससे बात करें, उनकी परेशानियों को सुने। नींद में है बड़बड़ाने की आदत से छुटकारा दिलाएंगे ये 8 उपाय। 6, डरावनी फिल्मों से बचें। रात में किसी भी तरह की डरावनी फिल्में ना देखें। इससे दिमाग पर असर होता है और रात में व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है। इससे अच्छा है कि आप कोई रोमांटिक या हंसी मजाक वाली फिल्म देखें। नींद में है बड़बड़ाने की आदत से छुटकारा दिलाएंगे ये 8 उपाय। 7, अच्छे अच्छे गाने सुने। संगीत ऐसी चीज है जो चंचल मन को शांत कर देता है, तो सुनने से पहले अपने पसंद के गाने सुने। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और नींद में बड़बड़ाने की आदत भी कम हो जाएगी। नींद में है बड़बड़ाने की आदत से छुटकारा दिलाएंगे ये 8 उपाय। 8, दवाएं अपने डॉक्टर से बात करें। हो सकता है आप जो दवाएं ले रहे हैं उनकी वजह से आपको नींद में बड़बड़ाने की आदत हो रही है, और अगर ऐसा है तो कुछ दिनों के लिए उन दवाओं को बंद कर दें। और अगर आपको कोई फर्क दिखता है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें।